कवर्धा से अधिकृत प्रत्याशी हो गए हैं मोहम्मद अकबर, आपका क्या रिएक्शन है उस पर? नहीं, वो तो औपचारिकता है ये घोषणा, वो तो पहले से निर्धारित है, वो पहले यहाँ से जीते हैं और मंत्री हैं, उनको तो यहीं से लड़ना था। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनताओं का बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और जनता भी अपनी तरफ से अपने अपने तरीके से आपको सहयोग कर रही है, कैसा सोचते हैं? नहीं भाई, मुझे तो आश्चर्यचकित हूँ मैं, तन मन और धन से सहयोग आम जनता का मिल रहा है और विशेष रूप से ये है कि जनता भगाना चाहती है मोहम्मद अकबर को यहाँ से, इसलिए ये सब हो रहा है। आपको भी किसी प्रकार का एक नोटिस दिया गया था, आपने जवाब भी दिया है, क्या मामला था वो? फर्जी शिकायतें हैं, इनकी यही कवायद रही है सदैव से। हम आज करेंगे, बड़े खान ये चिल्फी में कैसे हैं, उनका कहाँ पर है घर, कैसे वो रहते हैं, FIR करवाने के लिए हम आवेदन करेंगे, जिसने नाम जोड़ा है उसके विरुद्ध भी, और हम ये पूछेंगे कि वो वहाँ कैसे आए। ऐसे ही वनांचल में अनेक जगहों पर हैं, उनके बारे में पूछेंगे। तो ये थे विजय शर्मा, जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव के दौरे पर हैं और अभी वर्तमान में जो कांग्रेस से मोहम्मद अकबर को जो टिकट दिया गया है उस पर अपना रिएक्शन दे रहे थे और लगातार लोगों से मिल रहे हैं और दौरे पर लगे हुए हैं और इनका दावा है कि इस बार जीत उनकी होगी। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।